हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रेशनल बग। स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन वन से, विच इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स एक्स एंड वाई वैल्यू डायरेक्टली। तीन टेबल्स दे रखी हैं और पूछा है किस टेबल में एक्स और वाई डायरेक्टली वैरी कर रहे हैं। डायरेक्टली वैरी करने का मतलब एक्स वन अपॉन वाई वन इक्वल्स एक्स टू अपॉन वाई टू इक्वल्स एक्स थ्री अपॉन वाई थ्री एंड सो ऑन। दैट मीन्स ये इसके इक्वल, इसके इक्वल, इसके इक्वल, सारे आपस में इक्वल होंगे तो डायरेक्ट वेरिएशन है, नहीं होंगे तो नहीं। ठीक है, वेरी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं डायरेक्टली ये पता लगाने के लिए हमें यह करना पड़ेगा, इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म लिखनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले डिनोमिनेटर का डेसिमल डाले हैं तो न्यूमरेटर में जीरो आ जाएगा। सॉल्व करते हैं, थ्री टेन टाइम्स, थ्री फिफ्टीन टाइम्स, फाइव टू टाइम्स, फाइव थ्री टाइम्स। तो पहला तो आ रहा है टू अपॉन थ्री, तब डायरेक्ट होगा जब ये सारे इक्वल आएंगे तब डायरेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं डेसिमल डिनोमिनेटर से हटाया तो न्यूमरेटर में जीरो, फाइव टेन टाइम्स, फाइव फिफ्टीन टाइम्स, फाइव टू टाइम, फाइव थ्री टाइम्स, अगेन आ गया टू बाई थ्री, दोनों इक्वल हो गए। फोर टू टाइम्स, फोर थ्री टाइम्स, ये भी आ गया टू बाई थ्री। लास्ट चेक करते हैं 16.5 डेसिमल हटाया तो जीरो यहां पे आ गया। 11 से करती हूँ, 11 टेन टाइम्स, 11 वन टाइम, 11 फाइव टाइम्स, फाइव टू टाइम, फाइव थ्री टाइम्स, ये भी आ गया टू अपॉन थ्री। अगर सारे ही फ्रैक्शन जो थे टू अपॉन थ्री बन रहे हैं, सेम बन रहे हैं तो आंसर होगा यस। मूविंग ऑन टू सेकंड पार्ट, अगेन डायरेक्ट होने के लिए क्या होना चाहिए, ये सारे इक्वल होने चाहिए तो डायरेक्ट है। सॉल्व करके देखते हैं, अपने आप टू से फोर से जिससे भी करने कर सकते हैं, मैं थोड़ा डायरेक्ट कर रही हूँ। 16 वन टाइम, 16 टू टाइम्स, 1 बाय टू, 30 वन टाइम, 30 टू टाइम्स, 1 बाय टू, 40 वन टाइम, 40 टू टाइम्स, 1 बाय टू, सारे इक्वल आ रहे हैं। 56, 84 किससे करें, फोर से करते हैं, 4 14 टाइम्स, 4 21 टाइम्स, 7 टू टाइम, 7 थ्री टाइम्स, तो ये आ गया 2 बाय 3। 1 बाय टू इक्वल्स 1 बाय टू इक्वल्स 1 बाय टू नॉट इक्वल्स 2 बाय 3, यहाँ नॉट इक्वल का साइन आ गया तो डायरेक्ट वेरिएशन नहीं है। डायरेक्ट नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि इनडायरेक्ट है, इनडायरेक्ट के लिए अलग होता है। ठीक है, सिर्फ मोल लिखेंगे। लास्ट पार्ट करते हैं, 9 से करते हूँ, 9 3 टाइम्स, 9 9 टाइम्स, 3 1 टाइम, 3 3 टाइम्स, तो 1 बाय 3 आ रहा है। 45 अपॉन 18, 9 5 टाइम्स, 9 20 टाइम्स, 5 1 टाइम, 5 4 टाइम्स, तो पहला तो 1 बाय 3 आया, सॉल्व हो गया। दूसरा सिंपलेस्ट फॉर्म में आ रहा है 1 बाय 4, ये यहीं पे अनइक्वल है तो नॉट इक्वल, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर लिख देते हैं, नो इट इज नॉट अ डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन में जितने भी x अपॉन y लिखोगे, जितने भी ये टेबल बनेंगे उसके अंदर की सारी वैल्यूज इक्वल होनी चाहिए।